ओमिक्रॉन फैलेगा हवा से। ओमिक्रॉन ने किया 50 से भी ज्यादा देशों को ढेर। दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया ओमिक्रॉन कोरोना से पूरी तरह से दहशत में है, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में ओमिक्रॉन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, ओमिक्रॉन को लेकर वैज्ञानिकों ने किए हैरान कर देने वाले दावे, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, एक तरफ डॉक्टर्स का कहना है कि किसी को भी कोरोना के नए अवतार से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि कोरोना का ये अवतार इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने हाल ही में नई रिसर्च की जानकारी देते हुए लोगों को चिंता में डाल दिया है। अब सवाल ये है कि क्या अब आपको भी ओमिक्रॉन से डरने की ज़रूरत होगी या नहीं? क्या ओमिक्रॉन हवा से फैल रहा है? दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब आपको सिर्फ इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ओमिक्रॉन को लेकर नई जानकारी के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये मामला आपके देश और आपसे ही नहीं बल्कि आपकी फैमिली से जुड़ा है। ओमिक्रॉन कोरोना से आई पूरी दुनिया दहशत में, अब ओमिक्रॉन से सबको डरने की जरूरत। दोस्तों, कोरोना के नए अवतार जिसका नाम है ओमिक्रॉन, जिसने बड़ी ही तेजी के साथ पूरी दुनिया को पछाड़ा है। दोस्तों, भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दहशत है और आज ओमिक्रॉन 50 से भी ज़्यादा देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन को लेकर हैरान कर देने वाले दावे किए हैं। साथ ही अब से लोगों को ओमिक्रॉन से सच में डरने की ज़रूरत है। दोस्तों, भारत में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में रविवार को अचानक से 17 का इजाफा हुआ और 5 से बढ़कर इन मरीजों की संख्या 21 हो गई। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है और कितना नहीं, इस पर अभी भी तरह तरह के शोध कार्य चल रहे हैं, मगर इस बीच सिंगापुर ने इसे लेकर जो बात कही वो वाकई हैरान कर देने वाली है। सिंगापुर ने कही चौंकाने वाली बात, कोरोना से ठीक हुए लोगों में ओमिक्रॉन का खतरा सबसे ज्यादा। दोस्तों, सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विश्व स्तर पर शुरुआती क्लिनिकल निरीक्षण बताते हैं कोविड-19 का ओमिक्रॉन स्वरूप इसके अन्य स्वरूपों डेल्टा और बीटा के मुकाबले कहीं अधिक संक्रामक हो सकता है तथा इससे पुनः संक्रमण का जोखिम भी अधिक हो सकता है। चैनल न्यूज एशिया ने मंत्रालय के हवाले से रविवार को अपनी खबर में कहा, इसका अर्थ यह है कि कोविड-19 से उभर चुके लोगों के ओमिक्रॉन स्वरूप से पुनः पीड़ित होने का जोखिम अधिक है। आपको बता दें कि शहर में रविवार को एक और व्यक्ति ओमिक्रॉन से पीड़ित होने की शुरुआती पुष्टि हुई। जो व्यक्ति वायरस के स्वरूप से संभवतः पीड़ित पाया गया, वह 1 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका से यहाँ आया था और वह उसी विमान में सवार था जिसमें 2 अन्य रोगी थे। इस रोगी का टीकाकरण भी हो चुका था। रविवार को सिंगापुर में कोविड-19 के 552 नए मामले सामने आए तथा 13 रोगियों की मौत हो गई। मंत्रालय ने कहा कि बीते कई दिनों में उसने दक्षिण अफ्रीका तथा अन्य देशों की खबरें देखी और सूचना एकत्रित करने के लिए प्रभावित देशों में विशेषज्ञों से सक्रिय संवाद किया। चैनल ने मंत्रालय के हवाले से कहा, वायरस के नए स्वरूप के खिलाफ कोविड-19 टीके प्रभावी है या नहीं, इस बारे में अध्ययन चल रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसा मान रहे हैं कि कोविड-19 के रोधी वर्तमान टीके ओमिक्रॉन स्वरूप पर भी काम करेंगे और लोगों को गंभीर रूप से बीमार होने से भी बचाएंगे। मंत्रालय ने पात्र लोगों से टीकाकरण करवाने यह बूस्टर डोज लगवाने का अनुरोध करते हुए कहा कि वैज्ञानिक इस बात पर दृढ़ता से सहमत है कि ऐसा करने से वायरस के किसी भी वर्तमान स्वरूप या भविष्य में किसी भी अन्य स्वरूप से रक्षा हो सकेगी। ओमिक्रॉन के शुरुआती लक्षण क्या होंगे? ओमिक्रॉन को लेकर अफ्रीका ने क्या कहा? दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने इसको लेकर क्या कहा था। दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दक्षिण अफ्रीका की स्टडी में कहा गया कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दोबारा संक्रमण का खतरा डेल्टा या बीटा
वेरिएंट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। यानी जो लोग कोविड 19 से पहले संक्रमित हो चुके हैं उनके भी फिर से इन्फेक्ट होने का खतरा ज्यादा है। इस स्टडी को दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य संगठनों के एक समूह ने प्रकाशित किया है। दोस्तों आइए आपको बताते हैं ओमिक्रॉन के शुरुआती लक्षणों के बारे में। दोस्तों कोरोना के नए अवतार ओमिक्रॉन के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके दिखने पर आप तुरंत चेकअप कराएं ताकि आप आने वाले खतरे से बच जाएं। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन की रिसर्च कहती है कि जब भी आपको कोरोना के नए अवतार के होने का एहसास हो तो मुख्यतः ये लक्षण आपके अंदर दिखाई देंगे, जैसे कि ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए लोगों में बदन दर्द, तेज सर दर्द और थकान की शिकायत होती है। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन के लक्षण अलग और हल्के होते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट आरटीपीसीआर जांच में ही पकड़ में आता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।